गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। फिनाल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिनाल क्या है, फिनाल प्रिपेयर करने की विधि। इससे पहले वाले जो है कि वीडियो में हम बता चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिनाल का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप अटैच कर देते हैं या C6H5OH, यह ग्रुप फिनाल ग्रुप कहलाता है। इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला इसका है केमिकल प्रॉपर्टी में फिनाल के, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन क्या है? क्या चीज? कोलबेज रिएक्शन। तो फिनाल से सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करने के मेथड को हम बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। गौर से सुनना है, कोलबेज क्या है? तो हम फिनाल से क्या प्रिपेयर करते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेंजीन रिंग फिनाल तो रहेगा ही, इससे क्या ऑप्टेन कर लेंगे? इस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या? बेंजी फिनाल पर कार्बोसिलिक ग्रुप का एडिशन सैलिसिलिक एसिड होता है। तो फिनाल रहेगा बेंजीनिंग पर OH, और उसमें कार्बोसिलिक एसिड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, कार्बोसिलिक ग्रुप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो हम इसे ऑब्टेन करते हैं किससे? फिनाल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि फिनाल की को लेकर के हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। ध्यान से सुनना है, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होता है। उसके बाद उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। किसे? When phenol react with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. When phenol react with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. And after that, sodium phenoxide react with carbon dioxide, it gives salicylic acid. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं फिनाल, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दिए तो हमें ऑब्टेंड हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये मिल जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, और इसको हम ट्रीट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से
तो हमें सैलसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं सैलसिलिक एसिड एंड दिस फिनोमेना इज दिस रिएक्शन इज नोन एज कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन क्या है भाई? तो फिनाल से सैलसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कोलबेज रिएक्शन कराता है, फिनाल से सैलसिलिक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम राइमर-टीमेन रिएक्शन। राइमर-टीमेन रिएक्शन क्या होता है? राइमर-टीमेन रिएक्शन क्या है? राइमर-टीमेन रिएक्शन तो इसमें हम फिनाल से सैलसिलिकाइड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? सैलसिलिकाइड। फिनाल से हम प्रिपेयर करेंगे सैलसिलिकाइड। फिनाल से ऑब्टेन करेंगे सैलसिलिकाइड और दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर-टीमेन रिएक्शन। ठीक है ना? क्या ऑब्टेन करेंगे? सैलसिलिकाइड। इसको हम राइमर-टीमेन रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है कि फिनाल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। ध्यान से सुनना है, सबसे पहले हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनाल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनाल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 plus NaOH। इट गिव्स इंटरमीडिएट, दो इंटरमीडिएट देगा, उस इंटरमीडिएट को NaOH से रिएक्ट कराएंगे। तो फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट मिलेगा और उसका हम रिडक्शन करा देते हैं तो हमें सैलसिलिकाइड ऑब्टेन हो जाता है। तो हमें क्या ऑब्टेन करना है? फिनाल से सैलसिलिकाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनाल को ट्रीट करेंगे, फिनाल ले लेंगे, और इसको ट्रीट कर दीजिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। तो हमें मिलेगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या मिलेगा? तो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ CH2Cl जुड़ जाएगा O-N-A। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? CHCl2। ये मिल जाएगा एक इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट को हम NaOH से रिएक्ट करा देंगे। ट्रीट कर दीजिए तो दूसरा इंटरमीडिएट मिलेगा
ये नेक्स्ट इंटरमीडिएट मिल गया। अब इसको हम फिर से एसिडिफाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सेल सेल डी हाइट। क्या मिलेगा? सेल सेल डी हाइट। तो ये है राइमर टीमेन रिएक्शन। राइमर टीमेन रिएक्शन में क्या हुआ, तो हम फिनाल से फर्स्ट ऑफ ऑल फिनाल को क्लोरोफॉर्म और NaOH से क्या कर दिए, ट्रीट कर दिए, तो एक इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, बेंजीन रिंग पर ONA मतलब कि सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके साथ ये CHCl2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। फर्स्ट जब हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म और NaOH से ट्रीट करेंगे तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन रिंग पर ONA, इसके साथ आर्थो पोजीशन पर CHCl2 फर्स्ट इंटरमीडिएट सोडियम फिनॉक्साइड के साथ आर्थो पोजीशन पर CHCl2 एक इंटरमीडिएट मिलेगा। और फिर हम NaOH से ट्रीट कर देंगे तो ये जस्ट लाइक यहीं पर आ जाएगा और इसमें आकर के एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पर ये सेकेंड इंटरमीडिएट, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होती है, सोडियम फिनॉक्साइड का ही फॉर्मूला रहेगा और यहाँ पर चेंजिंग क्या हो जाएगी, तो CH और CLT ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl2 और यहाँ पर मिल जाएगा आपका CHO। और फिर एसिड से ट्रीट कर देते हैं तो अब आपका जो है कि यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और सेल सेल डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, इसको स्टडी कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।